अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यू ईयर की जो है फर्स्ट वीडियो है मेरी ये आज की, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। खैर अब तो दो दिन हो गए हैं, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो है मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग एंड इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर कर रही हूँ, जो कि है आई लैशेज़ ग्रोथ के हवाले से, कि आपकी आईब्रो और आई लैशेज़ कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं और एक वीक के अंदर ही जो है इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो है मेन इंग्रेडिएंट जो है इसका एलोवेरा जेल। आपको पता है एलोवेरा जेल जो है हमारे हेयर के लिए कितना अच्छा है, और ये बहुत ही अच्छा नेचुरल इंग्रेडिएंट है। जो ये मैं इसमें जो एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ, ये 100% जो है वो 99% जो है वो प्योर है एलोवेरा जेल। तो यहाँ आपने लेने हैं एलोवेरा के 2 टीस्पून जो है वो आपने लेने हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो हमारे हेयर की ग्रोथ जो है वो फास्ट करता है। आपको पता है कि अगर एलोवेरा जेल को जो है प्याज के पानी में मिक्स करके हेयर्स पे लगाया जाए, अपने सर के ऊपर लगाया जाए, तो हेयर जो है काफ़ी फास्ट जो है उसकी ग्रोथ होती है। तो चम्मच एलोवेरा लेने के बाद जो है हम इसमें नेक्स्ट जो ऐड करेंगे वो है इवियन के आपने कैप्सूल लेने हैं। इवियन के जो है मार्केट में 2 तरह के कैप्सूल जो होते हैं वो मिलते हैं, एक होते हैं ग्रीन कलर का और जो एक है ये रेड कलर का। तो आपने ये याद रखना है कि हेयर्स के लिए जब भी यूज़ करते हैं तो इवियन के रेड कैप्सूल जो है वो यूज़ करते हैं, और अगर हम जब स्किन के लिए यूज़ करते हैं तो वो ग्रीन कैप्सूल यूज़ करते हैं। तो आईलैशेस के भी तो हमारे हेयर्स ही होते हैं, तो इसके लिए जो है हम रेड ही यूज़ करेंगे। तो आपने इस तरह से क्वांटिटी जो है वो लेनी है कि अगर आपने 1 टीस्पून जो है वो लिया है एलोवेरा जेल, तो आपने जो है एक ही ये जो है कैप्सूल लेना है, और टीस्पून जो है वो आपने फुल भर के लेना है कि अच्छी क्वांटिटी जो है वो हो। और 2 इस तरह से आपने लेने हैं रेड इवियन के कैप्सूल, और इसको कट करके जो है इसके अंदर का लिक्विड वो सारा जो है एलोवेरा जेल में डाल देना है। ये जो एलोवेरा के ये जो विटामिन ई के कैप्सूल है, ये विटामिन ई से जो है वो भरपूर होते हैं और हेयर ग्रोथ को जो है वो फास्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके जो है आईलैशेस के हेयर्स टूटते हों तो ये जो है वो उनकी जो है रीग्रोथ करता है। आपने जो है वो फुल वीडियो एंड तक देखनी है। मैं एंड पे जो है आपको इसको लगाना भी बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको जो है अपनी आईलैशेस और आईब्रो के ऊपर अप्लाई करना है। कुछ लोगों की आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तो आपने अपनी आईब्रो के ऊपर जो है रात को सोने से पहले वो लगा देना है, तो इससे जो है आपकी आईब्रो भी जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। रात को हम दिन के टाइम में वैसे हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रात के टाइम यूज़ करने का जो मकसद है वो इसीलिए होता है कि जब आप रात को जब लगाते हैं तो उसके बाद जो है सो जाते हैं, और आपको पता है कि लेटने से जो है वो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो सर की तरफ होती है, तो इसीलिए जो है हम कुछ भी रात के टाइम जो यूज़ करते हैं तो उसके रिज़ल्ट जो है वो डबल मिलते हैं हमको। तो ये जो 2 कैप्सूल हैं इनका जो लिक्विड है वो सारा जो है मैंने एलोवेरा में मिक्स कर दिया है। इसके बाद जो है 3rd इन्ग्रीडियंट वो आपने लेना है आलमंड ड्रॉप के लेने हैं। ये प्योर बादाम का तेल है, इसके जो है सिर्फ 4 ड्रॉप ऐड करने हैं। बादाम का तेल भी हेयर ग्रोथ का जो है वो बहुत काम करता है। इसके अलावा अगर आपके सर में वो कुछ कुछ जगहों पे जो होता है बाल नहीं, कुछ लोगों के होते हैं, तो वहाँ पे आपने जो है ये बादाम के तेल से जो है मसाज करनी है, तो वहाँ पे भी जो है हेयर की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सिर्फ इसमें जो है वो 4 ड्रॉप जो है आलमंड ड्रॉप के मैं डाल रही हूँ। इसके बाद जो है मैं ये तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और ये देखिएगा कि किस तरह से ये बिल्कुल एक क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है कि कोई भी इंग्रेडिएंट जो है वो सेपरेट ना रहे, और बहुत अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लें। इस
इसका आप टेक्सचर देखेंगे, ये बिल्कुल जो है वो एक क्रीम के फॉर्म में आ गया है। इसे जो है आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में सेव कर सकते हैं, तो ये जो है एक वीक के लिए, तो एक वीक से जो है ज़्यादा यूज़ हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप दिन रात लगाते हैं या फिर आप रात को ही सिर्फ लगाते हैं, ये बाहर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप लोग मेरी ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके रिज़ल्ट मेरे साथ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करने हैं। अगर पहले ही किसी ने ये रेमेडी यूज़ की हो तो प्लीज़ इसका जो रिव्यू है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेमेडी यूज़ करने से इसके क्या रिज़ल्ट मिले हैं। मैं कमेंट सेक्शन में जो है आपका वेट करूँगी। इसको जो लगाने का तरीका वो बहुत ही आसान है, आपको एक स्पूली की मदद से भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्पूली नहीं है तो कोई भी आपके पास मस्कारा ब्रश जो हो, मस्कारा जो कोई भी आपका ख़त्म हो चुका हो और उसका ब्रश आपके पास पड़ा हो तो उसकी ब्रश की मदद से जो है वो आप इसको लगा सकते हैं। ब्रश की मदद से ये होता है कि हर एक हेयर को जो है वो लग जाता है और बहुत ही अच्छे से जो है वो लग जाता है। बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लगता, अगर हम हाथ से लगाएं तो बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये जो है ब्रश जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसको जो है वो क्रीम जो है वो ऊपर मैं लगा दूँगी इसको ब्रश पर, इसके बाद मैं अपने एरियाज पे आईब्रोज पे और आईलैश पे जो है अप्लाई करूँगी और थोड़ी देर के लिए फिर उसको फिर हम जो है ड्राई कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके।